It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now. हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू योर चैनल अनैडमी गेट सी सी एच सो वेरी गुड आफ्टरनून सही बच्चों को फटाफट क्लास को शुरू करते हैं देखो आज क्लास का टाइम सर ने टू पी रखा था ऐसा इसलिए ताकि हम लोग स्टोन्स खत्म करके सीधे सीधे थ्री पी पे जाके अपने स्पेशल क्लास में प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चन की ठीक है तो बहुत ही जबरदस्त दिन होने वाला है क्यों क्योंकि आज हम लोग स्टोन्स खत्म करेंगे और साथ ही साथ उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे बिल्डिंग मेटेल्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी स्पेशल क्लास के अंदर तो चलो यार धमाकेदार तरीके से क्लास को शुरू करते हैं बहुत ही जल्दी से एकदम और उड़ाते हुए चलेंगे स्टोन्स को आज खत्म करना है फुल पावर में ठीक है सारे बच्चे फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे सर का ऑडियो डो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है और बता दो तो जल्दी से कि सब लोग को पूरा पूरा रिवाइज है कि नहीं चलो गुड आफ्टरनून सही बच्चों को सबको गुड आफ्टरनून और जो भी बच्चे अभी अभी जुड़े हैं फटाफट सेशन को शेयर करेंगे जल्दी से लाइक करेंगे ठीक है सही बच्चे लाइक वाइक करते रहेंगे और देखो कमेंट बॉक्स में तुमको एक पिंड चैट में तुमको कमेंट दिख रहा है वो क्लास होगी ठीक तीन बजे जब हम लोग ये वाली क्लास खत्म करेंगे तुरंत तो हम लोग उधर मूव करेंगे करेंगे बढ़िया तरीके से क्लास को ठीक है के ऐप होगी तो गुड आफ्टरनून सभी को सुमित सृष्टि संजय रेशु दात्रे सृष्टि आशीष अजीत और कौन है सचिका है कीर्ति सुमित वीरेंद्र चलो प्रिया जितने भी बच्चे जुड़े हैं सबको यार गुड आफ्टरनून सर की तरफ से शुरू करते हैं सब लोग सर के बारे में जानते हैं कमेंट वमेंट में लिख सकते हैं तुम लोग सब लोग बताएंगे कल कमेंट में बताएंगे कि कल के दिन क्या है कमेंट करके बताओ बेटा कल के दिन है सर बहुत ही कमाल का कॉम्बैट सेशन संडे है कल संडे है कल सुबह ग्यारह बजे कल सुबह ग्यारह बजे हम लोग का कॉम्बैट सेशन होगा जिसमें सर हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे पूरे दिल से एकदम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे ठीक है सबको पता है ऑडियो एकदम अच्छे से आ रहा है ना हाँ तो लेवन एम पे कॉम्बैट सेशन है जिसमें हम लोग के ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे भाई ठीक है ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे और सर क्या होगा ट्वेंटी क्वेश्चन सिक्सटी मिनट और अगर तुम इसमें रैंक लेके आते हो टॉप हंड्रेड में तो तुमको प्राइस मिलेंगे तुम लोग को सब्सक्रिप्शन कम रेट में मिल जाएगा और भी बहुत सारे प्राइसमी ने इस मंथ अप्रैल में साढ़े तीन करोड़ रुपए जो है तुम लोग के लिए लगाए हैं प्राइस के फॉर्म में तो तुम लोग जरूर से इसको अवेल करने की कोशिश करो ठीक है ओके चलो बिल्कुल ठीक है लेट नहीं हुआ जानबूझ के लिए बेटा पहले ही बता देता कल ही ठीक है और सबको पता है कोड क्या कैसी जिसको यूज करके तुम लोग कॉम्बैट भी अटेंड कर सकते हो कॉम्बैट का लिंक तुमको आराम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसमें नहीं होगा लेकिन हाँ अन अकेडमी की ऐप खोल के टेस्ट सेक्शन में जाके तुम कॉम्बेट अटेंड कर सकते हो कल का दिन है सब लोग से रिक्वेस्ट है कि सब लोग जरूर कॉम्पेटेशन देंगे और देखेंगे कि वो कहां पे स्टैंड कर रहे हैं नई भी अगर तुम्हें क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो उसमें बहुत कुछ सीख भी सकते हो ठीक है बहुत कुछ सीखने को तुम्हें मिल सकता है ठीक है सर बाकी प्लस का सब्सक्रिप्शन होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है प्लस के अंदर बहुत सारी लाइव क्लासेस क्रैश कोर्सेज वीकली टेस्ट डाउट सॉल्विंग सब कुछ है ये सब तुमको बढ़िया रेट में मिल जाएगा अगर तुम कॉम्बेड में कल जीते हो और ऐसे आइकॉनिक के अंदर तुमको पर्सनल कोच मिलता है जो तुमको गाइड करेगा प्लानिंग करेगा कि किस तरह से पढ़ाई करनी है तुम्हारी जो भी कंफ्यूजन है वो सारी दूर हो जाएगी अगर तुम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ठीक है और एक साल की डेढ़ साल की दो साल की फीस तुम देख सकते हो यहाँ पे लिखी हुई है कोड तुमको यूज करना है हमेशा की तरह सी एस टेन सी एस टेन इज माई कोड जो यूज करना है तुमको उसके बाद अगर हम बात करें आइकॉनिक की तो एक साल की और दो साल की फीस यहाँ पे लिखी हुई है ठीक है तो आई होप तुमको ये सारी बातें बढ़िया तरीके से एकदम समझ में आ गई होंगी बिना किसी टेंशन के चलो हाँ बेटा गेट लेवल के क्वेश्चन होंगे बिल्कुल तो टॉप रैंकर को ऑब्वियसली स्कॉलरशिप मिलेगी यहां पर रोहित पूछ रहे हैं सर अगर एक कॉम्बैट दिया और कुछ स्कॉलरशिप मिला है अगर हम अवेल नहीं किए बेटा इतना बड़ा बिल सब, सब मिलेगा बिल्कुल अगर तुम हर बार रैंक ला रहे हो तो हर बार कुछ ना कुछ मिलेगा ठीक है हर बार तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा और मेल के थ्रू तुम्हें वो गिफ्ट मिल जाएगा यस और नो बाकी सब लोग सर को जानते हैं अभी सभी लोग फटाफट के ऐप पर सर को फॉलो कर लो जहा थ्री पी एम पे हम लोग की बीएमसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास होने वाली ज्यादा बड़ी नहीं लेगी आधे पौन घंटे लेंगे लेकिन हाँ बहुत झमाझम क्वेश्चन करेंगे बहुत ही स्पीड के साथ ठीक है तो बीएमसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं सर आज ही है ना इसका लिंक कहा है कमेंट बॉक्स में देखो तुमको ऊपर दिख रहा होगा ठीक है कमेंट बॉक्स आपको ऊपर दिख रहा होगा और अगर जो लोग पहली बार ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं तो गेट कैटेगरी में सर को फॉलो कर लें और कोड जब मांगेगा फ्री क्लास देखने के लिए कोड जब मांगता है तो तुमको कोड डालना है सी एस टेन ठीक है सी एस टेन इज द ओनली कोड विच ओके चलिए सर शुरू करते हैं स्टोन हम लोग पढ़ रहे थे यार स्टोन पढ़ रहे थे वापस स्टोन के अंदर आते हैं हम लोग जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट देखिए सर ऐसा है कि आपने बताया स्टोन बहुत पुराने समय से इस्तेमाल किया जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है उसका क्लासिफिकेशन आपने बताया था इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक क्या होता है उसके बाद आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन फिर आपने केमिकल क्लासिकेशन को समझाया था है ना याद आ रहा है भाई बिल्कुल याद आ रहा है सर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव आपने समझाया था देखो आज क्वेश्चन होने वाले हैं आज बहुत जग के रहना बहुत ध्यान सुनना आज इसके क्वेश्चन तुमको सर प्रैक्टिस कराएंगे साढ़े तीन पौने चार से पहले सर छोड़ने नहीं वाला तुमको समझ रहे हो ओके चलो देखते चलना देखते चलो ठीक है तो ये हम तुमको बताया था इंक्लूसिव इग्नेस रॉक्स हमारे जो अंदर सोलिफाई होने से बनते हैं और ये जो हमारे रॉक्स हैं ये बाहर जब मैग्मा फट के बाहर आता है लावा के फॉर्म में तब हमारा जब सॉलिफिकेशन होता है कूलिंग होती है तब बनते हैं ठीक है इसका मेन एग्जाम्पल है इसका मेन एग्जाम्पल गाइट है ठीक है याद रखना पेमेटाइड के अंदर बनते हैं कम डेप के कम डेप की हाइट पे ये दोनों तुमको मैंने इमेजेस के समझाया था ये देखो बताओ ये क्या है बेटा कमेंट कर वॉट इज दिस जल्दी सारे बच्चे कमेंट करेंगे वॉट इज दिस बता दो सर ये हमको जो पहचान में आ रहा है सर ये बाहर है और ये बेसाल्ट रॉक है ठीक है बेसाल्ट रॉक है लावा के डिपोजिशन से बना है लावा जब ठंडा हुआ है तब बना है ठीक है फिर आपने सारा सेडिमेंट्री के अंदर फिर आपने सेडिमेंट्री रॉक बताया वो कई तरह के मैकेनिकल केमिकल बायोलॉजिकल ये मेनली फिजिकल एजेंसीज के थ्रू यहाँ पे पानी का काफी रोल था जो पानी क्या करता था सॉलिबल सॉल्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर डिपोजिट करता था देखो साल्टी टाइप का थोड़ा दिख रहा है और यहाँ पे जो भी सी एनिमल्स की हड्डियाँ वगैरह या उनका जो रिमेन्स था कैल्शियस वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता था और हमारा बनता था बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक ठीक है फिर मेटामॉर्फिक आपने हमको समझाया था

फिर आपने सर हमको एंड स्टेटीफाइड स्टेटीफाइड कला समझाया आपने ये समझाते स्टेटीफाइड हमारे सेगमेंटी और अनस्टेटीफाइड हमारे कौन से इग्नियस और मेटामॉर्फिक फॉर एग्जांपल जैसे अगर मार्बल की बात करें कमेंट कर बताओ बेटा सारे बच्चे कमेंट कर बताएंगे व्हाट इज मार्बल बताओ स्टेटिफाइड जिसने बता दिया मान जाएंगे भाई देखो बता दो आज इसमें एक बहुत डाउट आता है बच्चों को यार इसमें बच्चों को बहुत डाउट आता है कि सर मार्बल क्या है स्टेटिफाइड है कि फोलटेड है है कि नॉन है आज कमेंट कर दो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए भाई मार्बल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं काफी बता दो जल्दी से सर मार्वल हमारा कैसा है कैसा है नॉन फोलेटेड यही बोल रहे हो तुम लोग सही बात है नॉन फोलेटेड तो है लेकिन स्ट्रेटिफाइड एंड स्ट्रेटिफाइड बताइए क्या है बताओ कल बताया था नॉन फोलेटेड बिल्कुल सही है स्ट्रेटिफाइड है याटैटिफाइड है ठीक है इसमें कई जगह बहुत कुछ दिया हुआ है ना कई जगह बहुत कुछ दिया हुआ है किसी जगह स्ट्रेटिफाइड है किसी जगह अनस्टैटिफाइड है ठीक हा, है हाँ नॉन फोलेटेड है वेरी गुड और इसको स्ट्रेटिफाइड के में लेके चलो ज़्यादा बढ़िया है ठीक है क्योंकि देखो ऐसा होता है स्टेट में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं हम लोग उसी के हिसाब हैं यहाँ पे बात करते हैं नॉन फोलेटेड और स्ट्रेटिफाइड ठीक है चलिए तो थोड़ा सा एक्सेप्शन है इसको याद रखना उसके साथ आपने कैल्शियरियस के अंदर बताया कैल्शियम कार्बोनेट सिलेशियस के अंदर सिलिका इसके अंदर ये सिलेट सैंडस्टोन ट्रैप कॉर्ड ग्रेनाइड ये सब सैंड वाले हैं ये हमारे सारे एलुमिना क्ले वाले हैं और ये सब हमारे कैल्शियरियस कंपाउंड है ठीक है याद होगा बाकी तुमको देखो क्लास में समझाया था बताया भी था मार्कल देखो नॉन फोलेटेड है ना नॉन फोलेटेड है ओके सर और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने बताई थी आपने फिर हमको जो है मोद स्केल पे आपने हार्डनेस टेस्ट करना समझाया ठीक है मतलब हार्डनेस की पैरामीटर बताया कि कौन सा मिनरल सबसे कम हार्डेस्ट सॉफ्टेस्ट है कौन सा हार्डेस्ट है ये सब हमने सीखा था फिर मिनरल्स के टाइप देखे किस में क्या क्या है ठीक है सब समझाया था हमने और फिर लास्ट क्लास में आपने कैरेटिस्टिक्स ऑफ गुड स्टोन भी बताया था कि हमारा स्टोन कैसा होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार काफी क्वेश्चन से बनते हैं फिर आपने लास्ट क्लास में टेस्ट बताया था सॉरी स्मिथ टेस्ट इसमें टेस्ट किसका था भाई जल्दी बता दो सॉल्युबल मैटर को प्रेजेंट टेस्ट करता था कर, मतलब उसकी प्रेजेंस को चेक करता था अगर हमारा सोलव मैटर है तो पानी गंदा हो जाएगा वरना पानी साफ रहेगा फिर आपने टेस्ट बताया था था जिसके अंदर हमने हमने क्या किया एम के स्टोन क्यूब लिए थे उसको हमने क्या किया पुट्टी, -पुट्टी लगा के हमने उसको कम, मशीन में रखा चौदह न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट के रेट से हमने लोड लगाया और हमने तीनों का स्टेंट निकाल दी तीन क्यूब्स लेते हैं ऑब्वियसली और उसका जो एवरेज होगा वही हमारी क्या होगी क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी फिर हमने ये देखा कि मेटामॉर्फिक किस से ज्यादा होती है फिर इग्नियस की होती है फिर किसकी होती है सेडिमेंट्री रॉक की होती है ठीक है सबसे स्ट्रॉन्ग रॉक हमने देखे थे उसके बाद

मेजर किया जिसके अंदर वेट लॉस हो रहा था जितना लॉसिंग वेट ज्यादा होगा हार्टने हार्डनेस उतना कम आएगा यहाँ पे चौदह सत्रह की रेंज थी पोटिन के नीचे पुअर सत्रह के और चौदह के पीछे मीडियम हार्डनेस सराह के ऊपर हमारा वेरी हार्ड हो जाएगा तुमको बताया था इसके बाद फिर हमने इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट देखा था सर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टेस्ट में हमने क्या देखा कि एनवोड टेस्टिंग मशीन ने हैमर को गिराते थे हम अलग अलग हाइट से ठीक है वो हाइट जिसपे हमारा स्टोन ब्रेक हो जाए उसी हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं टफनेस कोफिशियंट उसी हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं टफनेस कोफिशियंट लेकिन हाँ हाइट को हम लोग इसमें रखते हैं सेंटीमीटर रखते हैं ठीक है और हैमर के ब्रेक होते हैं बता देंगे वो हैमर के ब्रेक सॉरी स्टोन के ब्रेक होते हैं बता देंगे कि हमारी क्या है टफनेस है टफनेस अगर तेरह से कम है तो उसको हम पुअर बोलेंगे तेरह से उन्नीस है तो उसको मीडियम टफनेस बोलेंगे और अगर उन्नीस से ज्यादा तो उसमें वेरी टफ बोलेंगे ठीक है टफनेस मतलब रेजिस्टेंस टू इंपैक्ट याद आ रहा होगा फिर छठर टेस्ट हमने क्या पढ़ा था इसके बाद छठर टेस्ट हमने क्या पढ़ा था एसिड टेस्ट इसमें हमने सर एसिड के अंदर डिप किया था सात दिन के लिए अगर वो पाउडर फॉर्म में हो गया वो उसकी जो एजिस थी वो शार्प नहीं रही इसका मतलब वो इतना लायक नहीं है कि वो वेदरिंग रेजिस्टेंस उसकी हाई हो है ना वो इतना लायक नहीं है इसका मतलब उसकी वेदरिंग एस्टेंस क्या होगी कम होगी तो तुमसे पूछ सकते हैं वेदरिंग एस्टेंस कौन डिटरमाइन करता है एसिड टेस्ट और अगर स्टोन बच निकला स्टोन बच गया इसका मतलब उसकी वेदरिंग एस्टेंस क्या है ज्यादा है ठीक है उसके बाद तो देखा था यहाँ पे टेस्ट जो कि ड्यूरेबिलिटी मेजर करता है इसको अलग से लिख देते हैं यहाँ पे जो कि हमारा ड्यूरेबिलिटी मेजर करता है फिर हमारा कौन सा था स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि हमारा टू पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए इस रेंज में होना चाहिए भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी जितना ज्यादा होगा वेट उतना ज्यादा होगा इतना स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी और पोरोसिटी कम होगी तो वाटर को कम कमजोर्व करेगा सब समझाया था तुमको बहुत अच्छी तरीके से ठीक है रिवाइज करना बहुत जरूरी है कौन सा लिखा था ब्रैड टेस्ट है ना ब्रैड टेस्ट लिखा था इसको भी याद कर लो जब लिखी दिया तो एक लाइन में लिख दो कोई तो है नहीं इट है इट मेजर इट रेजिस्टेंस चलिए ओके सर बात समझ गए हमारा ब्रेड टेस्ट है ठीक है तो जितने भी तरह के टेस्ट हैं जो कि स्टोन में है वो तुमको सर ने सारे समझा दिए आज हम लोग शुरू करने वाले क्वांग करते कैसे हैं कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज करते हैं स्टोन के यूजेस क्या हैं ठीक है थोड़ी दो तीन मैसेनरी हम लोग को पढ़नी है जो एसलर और रबल मैशी वो देख लेंगे स्टोन की ठीक है और हम लोग एक दो चीज़ें देखते हैं प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं स्टोन का ये हम लोग समझेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे स्पेशल क्लास के अंदर ठीक है सारे बच्चे साथ चल रहे हैं भाई सारे बच्चे यहाँ पे साथ चल रहे हैं बिल्कुल वेरी गुड पीडीएफ इसकी पीडीएफ डी पढ़ी तो है बेटा चैनल पहले से बालक लोग पी बहुत मांगते हैं सर से हैं पी डी बहुत मांगते हैं चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखो पत्थरों को पहले हम लोग क्या करते हैं क्वेरी आउट करते हैं बहुत ध्यान सुनना बढ़िया तुमको समझाएंगे क्वैरिंग के सारे मेथड्स तुमको समझा देंगे कौन कौन से मेथड में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज ही तुमको हम करा देंगे ताकि स्टोन में एकदम समाप्ति हो जाए कोई भी तुमको ना टच कर सके और तुम चैंपियन बने रहो ठीक है सर के साथ चलेंगे क्वेरिंग सुनेंगे बहुत ध्यान से क्वायरिंग का मतलब क्या है कि हम लोग को स्टोन एग्रीगेट जब चाहिए होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं जो भी माइंस वगैरह होती हैं वहां से जाके हम लोग पत्थरों को लेके आते हैं इसके बहुत सारे तरीके हैं काफ़ी सारे टूल्स इसके लिए यूज़ किए जाते हैं ठीक है और ये प्रक्रिया ए, कहीं भी नहीं की जाती है हम लोग जब साइट को सिलेक्शन करना होता है तो हम लोग को बहुत सारी बातें दिमाग में रखनी होती हैं कि हम साइट को कैसे सेलेक्ट करें वो अभी हम तुमको समझाते हैं फिलहाल फिलहाल तुमसे अगर पूछता है क्वायरिंग क्या है तो तुम सिंपल सी बात इतनी बोलोगे कि एक ऐसा प्रोसेस है काफी स्टेजेस होती हैं जिसमें एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं पत्थर को एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड से जैसे तुमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आयरन तुमने पढ़ा होगा कि ओर्स हम लोग निकालते हैं आयरन का ओर एलुमिनियम का ओर ठीक है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जिस प्रकार से हम लोग ओर की माइनिंग करते हैं उसी प्रकार से स्टोन की ठीक है स्टोन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्वेरिंग करते हैं ठीक है जैसे वहां होती माइनिंग या होती क्वेरिंग सब लोग समझ लेंगे इसको ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको फिर हम लोग क्या करेंगे एक्सट्रैक्ट करके लेके आएंगे ग्राउंड से और फिर उसको क्रश कर देंगे और क्रश करोगे तो एग्रेड बन जाएगा वरना तुम तो उसको स्टोन के फॉर्म में यूज कर सकते हो शेप बदल के ठीक है बाकी फिर अगले प्रोसेस क्या होता है अगला प्रोसेस क्या होता है उसकी हम सीजनिंग करते हैं देखो एक बात समझो अभी जब पत्थर निकल के आया नया नया उसके अंदर अच्छा खासा मॉइस्चर होता है काफी सॉफ्ट भी रहता है वो स्टार्टिंग में अगर तुम तो उसको थोड़ा बहुत शेप देना चाहो तो उसकी एक रफ ड्रेसिंग कर सकते हो ऊपर ही ऊपर है ना बल्कि ये बोला भी जाता है कि जब पत्थर अभी नए नए निकले हैं बाहर उसी समय उसकी क्या कर दो रफ ड्रेसिंग कर दो रफ ड्रेसिंग ठीक है बल्कि यहाँ पे लिख भी देते हैं ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं हाँ केमिकल सब बता रहे हैं बेटा सब बता रहे हैं सब बता रहे हैं केमिकल केमिकल सब बताएंगे ब्लास्टिंग पाउडर होता है भी बताते हैं इसको सुनो पहले कि क्वेरिंग में सर क्या है कि यहां पे लिख दीजिए कि रफ ड्रेसिंग रफ ड्रेसिंग इज डन रफ ड्रेसिंग विद स्पॉलिंग हैमर ये क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा अभी हमको एकदम से याद है तो एक पॉइंट जोड़ दे रहे हैं बस यहां पे वरना भी तुमको हम सब बताएंगे आगे ठीक है जब भी हमारे क्वरिंग करके बाहर निकला है स्टोन तो क्या है अभी अभी एकदम फ्रेश है उसके अंदर अच्छा खासा मॉइस्चर हो सकता है तो क्या करिए सर उसकी आप रफ ड्रेसिंग कर दीजिए थोड़ा बहुत उसको आकार दे दीजिए लेकिन जो परफेक्ट फिनिश देनी है वो आप उसको बाद में दीजिएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं लेकिन उसकी रफ ड्रेसिंग दे दीजिए कौन से हैमर से विद हैमर विद इमीजिएटली आफ्टर क्वेरिंग क्यों इमीजिएटली आफ्टर क्वरिंग क्यों सर क्योंकि उसके अंदर अच्छी खासी नमी है और अभी वो सॉफ्ट है इमीजिएटली आफ्टर क्वेरिंग बिकॉज इट इज सॉफ्ट यस और नो बता दो भाई कोई confusion नहीं है, समझ हम है? और तुमसे पूछ सकते में कि कौन हैमर हम यूज करते हैं तो तुमको पता रहना चाहिए और जो हमारा स्टोन है उस समय सॉफ्ट रहता है ठीक है बात समझ में आ गई सबको एकदम क्लियर कहानी चलो बहुत बढ़िया आगे तुमसे एग्जाम पूछ सकता है कि कौन से मेथड यूज करते हैं मेथड समझते हैं पहले जरा प्रोसेस समझ लिया पूरा

ट्रांसपोर्टेबल हो सके इजली टू वर्क विद हो सके ये सब चीजें हमको करनी पड़ेंगी ठीक है तो ऑब्वियसली जो गुड स्टोन अच्छे स्टोन जो होते हैं जो बिल्डिंग स्टोन होते हैं उसमें सैप नहीं होना चाहिए उनमें मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए ठीक है कोशिश पूरी की जाती है तो हम उसको ड्राई करते हैं तो ऑल फ्रेशली क्वेरी स्टोन कंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ठीक है नोन एज क्वेरी सैप और ये सैप तभी रहता है जब वो क्वेरी के अंदर होते हैं बाहर आते हैं तो धीमे धीमे वो हो क्या होते हैं वो सॉफ्ट से ड्राई हो जाते हैं पूरे के पूरे ठीक है तो जो उनको सॉफ्ट बनाता है जो उनको सॉफ्ट बनाता है तभी बोला हमने यहाँ ड्रेसिंग कर दो और वो ईजियर टू वर्क विद होते हैं ठीक है थीके? लेकिन आप उनकी रफ ड्रेसिंग कर लीजिए स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसके बाद जब उसको आप यूज करेंगे एज ए बिल्डिंग मटेरियल तो उसको फ्री होना चाहिए क्वाइर से इसलिए हम लोग क्या करते हैं सीजनिंग करते हैं ठीक है थीके? सीजनिंग उनको पता रहना चाहिए तो पहले हमने क्वायरिंग करी फिर रफ ड्रेसिंग करनी है तो कर ली हमने सर और उसके बाद हमने क्या करी सीजनिंग करी लेकिन बाद में अगर ड्रेसिंग करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी ठीक है उसके बाद एक फिर उसके बाद क्या करा हमने सीजनिंग कर ली सर हमने कर ली सीजनिंग अब देखो दो रस्ते हैं या तो स्टोन को संभाल के रख लो या तो स्टोन को संभाल के रख लो या तो कर दो उसकी ड्रेसिंग संभाल के रखोगे तो उसको करना पड़ता है प्रिजर्व ठीक है कुछ स्टोन होते हैं इसे क्या नाम है जो डीके कर जाते हैं डीके से बचाने के लिए हम लोग उसको प्रिजर्व कर सकते हैं जैसे कि तुमको पता होगा शायद ब्लो लैम्प से उसको पहले साफ किया जाता है हवा मार के उसको बहुत अच्छे से साफ किया जाता है उसके ऊपर लेंसीड ऑयल पेंट और दुनिया भर की चीजें लगाई जाती हैं अगर इंडस्ट्रियल में उसको इंडस्ट्री में क्या नाम है प्रिजर्व करोगे तो बेरियम सल्फेट वगैरह यूज किया जाता है उसका केमिकल नेम भी होता है बाटा करके अभी हम लिखेंगे पूरा ठीक है मतलब इन शॉर्ट आप प्रिजर्व करिए उसको इन शॉर्ट आपने सीजनिंग के बाद जब उसको बाहर निकाला तो आप उसको प्रिजर्व करिए सर प्रिजर्व कर सकते हैं या दूसरा काम आप कर सकते हैं ड्रेसिंग ड्रेसिंग करके आप उसको आकार दीजिए जिस आकार में आप उसको लेके आना चाहिए ठीक है जो स्टोन हम लोग ऑप्टेन करें क्वेरी से उसका सरफेस कैसा होगा ऑब्वियसली रफ भाई सोचो ना पत्थर यहाँ पीछे देखो गिरे थे पीछे देखो पत्थर यहाँ पे गिरे हैं ये देखो कैसे रफ शेप के उल्टे सीधे है ना हमको क्या करना है सर इसको शेप देना है प्रॉपरली एकदम इसको प्रॉपर शेप देना है उस प्रॉपर शेप देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं ड्रेसिंग बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट अभी हम लोग आज सीखेंगे किस किस तरह की फिनिश देते हैं वैसे इतना डिटेल है नहीं तो ड्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द स्टोन इन टू रेगुलर शेप तो मैं क्या लगता है आसान काम है जल्दी बताओ क्या ये काम आसान है बता दो बिल्कुल चलाएंगे बेटा छीनिया थोड़ा सब चलेगा सब चलेगा बिल्कुल सुनते चलो तो ड्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग अपना इरेगुलर स्टोन इन टू रेगुलर स्टोन हमें उसको कन्वर्ट करना है विद रिक्वायर्ड फिनिश सर्फेस ठीक है यहाँ देखो एक भाई साहब है ये इनका हाथी दिख रहा है यहाँ पे पीछे भाई साहब है नहीं सिर्फ अदृश्य हाथ है जिसका काम है यहाँ पे यहाँ पे क्या करना फिनिश देना ठीक है तो देख सकते हो सर कटिंग कर रहा है और स्टोन को एक परफेक्ट फिनिश देने की कोशिश कर रहा है ठीक है क्या पर्पज है बहुत बेसिक सी बात है यार क्यों कर रहे हैं ताकि स्टोन हमारा सूटेबल साइज में आ जाए ठीक है और क्या नाम है उसका रेगुलर शेप हो जाए उसका अपीयरेंस अच्छा हो जाए और ये जो बेडिंग वाली सिस्टम लिखी है इसको हम समझाते तुमको ठीक है ये बेडिंग वाला सिस्टम समझो फिर हम लोग क्वरिंग में चलेंगे फिर हम लोग क्वरिंग के मेथड वगैरह पढ़ते हैं अच्छे से सर ये बेडिंग वाला क्या सिस्टम है जरा बताइए देखो ऐसा एक बात समझो बेडिंग का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करेंगे देखो स्टोन में से देखो क्या नाम है जैसे हमारा स्टोन है सर एक स्टोन लगाया फिर हमने दूसरा स्टोन लगाया फिर हमने ये तीसरा स्टोन लगाया चौथा स्टोन लगाया इस तरह से स्टोन हम लगा रहे हैं ठीक है ठीक है स्टोन्स लगाया तुमने अब देखो

बेडिंग नंबर वन बेडिंग प्लेन टू बेडिंग प्लेन थ्री बेडिंग प्लेन फोर समझ गए लोड बोला जा रहा है कि अगर क्या है रेकमेंडेशन यहाँ पर यह है कि जब भी लोड लगे तो हमेशा इस बेडिंग के परपेंडिकुलर लगे ठीक है मतलब हमारी जो स्टोन मशीनरी उसकी जो बेडिंग है लोड हमेशा उसके परपेंडिकुलर लगना चाहिए ताकि वो लोड अच्छे से रेस कर सके यही लोड अगर तुमने गलती से ऐसे पहले लगा दिया तो ये स्टोन क्या करेंगे आपस में स्लाइड कर जाएंगे तो लोड को कभी भी बेडिंग के पैलल नहीं लगाना है लोड को हमेशा बेडिंग के परपेंडिकुलर ही लगाना होता है इस बात को सब लोग समझ लेंगे ठीक है सर बहुत आसान बात है इसमें कुछ है ही नहीं कुछ भी नहीं है सर इसमें यहाँ लिख देंगे नोट डाल के नोट डाल के यहाँ लिखेंगे एग्जाम में सवाल पूछता है ये एग्जाम में सवाल पूछता है ठीक है नोट डाल के बढ़िया से लिख देंगे कि लोड शुड ऑलवेज भी अप्लाइड लोड शुड ऑलवेज बी अप्लाइड बताओ पैल की परपेंडिकुलर लोड शुड ऑलवेज बी अप्लाइड लोड शुड ऑलवेज बी अप्लाइड जल्दी बता दो पैल की परपेंडिकुलर सर पैल थोड़ी पर लोड शुड ऑलवेज बी अप्लाइड पर टू पर टू नेचुरल बेडिंग ऑफ पर टू नेचुरल बेडिंग ऑफ स्टोन ठीक है ठीक है और बेडिंग इन स्टोन मशीनरी या इसको रहने की तो जरूरत नहीं है ठीक है एक ही बात है तो जो भी हमारे स्टोन का नेचुरल बेडिंग है उसके लोड हमेशा परपेंडिकुलर लगना चाहिए कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें कुछ और एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें तो जैसे हमारी जो वॉल होती है स्टोन मशीनरी जो वॉल होती है हमारी एक सेकेंड रुको हाँ भाई तो वापस आ जाओ बेटा बहुत कैमरा परेशान हो गया है कैमरा महोदय कैमरा महोदय जल्दी सही हो जाइए क्यों परेशान हो रहे हैं ठीक है कैमरा महोदय अब सही हो गए हैं कैमरा महोदय बहुत परेशान हो जाते हैं ठीक है तो देखो स्टोन मेसनरी में क्या है स्टोन मेसनरी में ठीक है जैसे उसमें क्या होता है वर्टिकल हम लोग लोड लगाते हैं ठीक है बेडिंग जल्दी इस डायरेक्शन लेती है बेडिंग डायरेक्शन लेती है और हम लोग का लोड इस डायरेक्शन लगता है ठीक है

आज से तो तुम यहाँ क्या देख सकते हैं कि जो बेडिंग है सर जो बेडिंग है वो रेडियल डायरेक्शन में है जो बेडिंग है वो रेडियल डायरेक्शन में और जो लोड है वो इधर से लग रहा है थ्रस्ट के फॉर्म में ठीक है यहां पे अगर हम बात करें जो नेचुरल अपनी स्टोन मेसनरी वर्टिकल सिंपल सी मेसनरी जो रहती है अपनी बेसिक वाली ठीक है उसमें अगर हम देखें तो हमारा बेडिंग ऐसे है हॉर्जोंटल और लोड लग रहा है कैसा वर्टिकल लेकिन कुछ भी हो जाए सर बेडिंग के परपेंडिकुलर लगना है ये बात समझ गए हम लोग ठीक है बेडिंग के परपेंडिकुलर लगना है ये बात हम लोग समझ गए हैं ओके चलो आगे बढ़ते चलते हैं समझ गए हम लोग अब सर देखिए इसके साथ हमारा स्टोन हमारा समाप्त हो गया है बस हम थोड़ा यूज पढ़ के और क्वेरिंग को जरा समझ लेते हैं क्वेरिंग को भी समझना पड़ेगा अभी है अच्छा खासा सुन लो यूज भाई सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं ठीक है अबेटमेंट ऑफ पियर पियर जानते हो कि नहीं जानते हो रेल क्या नाम है जो रेल और रोड ब्रिज होते हैं बड़े बड़े उसमें साइड में एकदम होते हैं अबेटमेंट और बीच में होते हैं बहुत सारे पियर है ना तुमने पता नहीं देखा हो ना देखा हो अरे ये पुल होता है बेटा पुल ये बेटमेंट्स है ये पुल बना हुआ है यहाँ बीच में तो पिलर्स पियर्स देखे होंगे यही होते हैं पियर्स ठीक है ये पियर्स की जरूरत है कि सर ये बहुत भारी हो हैवी हो ये बहुत हैवी होने चाहिए भारी होने चाहिए याद रखो जो पियर्स हैं जो ब्रिजेस हम लोग नीचे स्टोन के पियर्स यूज कर रहे हैं कॉलम कह सकते हो तुम वो सर उसके ऊपर बहुत हैवी कंप्रेशन है और ऑब्वियसली वो बहुत हैवी स्टोन का होना चाहिए और बहुत हैवी स्टोन हमारा कौन होता है ग्रेनाइट याद रखेंगे कि या तुम कह सकते हो बड़े बड़े रिटेनिंग वॉल जिनका काम है बहुत सारा मिट्टी को रिटेन करके रखना रिटेनिंग वॉल्स होती है ना बड़ी बड़ी वॉल्स इसके पीछे बहुत सारी मिट्टी भरी हुई है अब ये गिर ना जाए ये जो तो रिटेनिंग वॉल है गिर ना पड़े इसके इसका वेट बहुत ज्यादा होना चाहिए तो जल्दी हम लोग भारी पत्थर यूज करते हैं और उनमें से एक है कमाल एक कमाल के कौन ग्रेनाइट साहब ठीक है सब लोग याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे तुमसे ये बन सकता है ठीक है फेसिंग वर्क फेसिंग मतलब जो हमारा मशीनरी है उसका एक्सपोज्ड सरफेस उसका एक्सपोज सरफेस ऑब्वियसली जो उसका एक्सपोज सरफेस है बहुत सुंदर दिखना चाहिए ठीक है अभी हम तुमको दो तरह की फेसिंग ऐसे बताएंगे अभी एसलर और रबल अभी आगे देखेंगे हम लोग तो जो उसका एक्सपोज सर्फेस है वो कैसा होना चाहिए सर हमारा अच्छा होना चाहिए सुंदर दिखना चाहिए तो जनरली हम लोग ग्रेनाइट और मार्बल यूज़ करते हैं तुम लोग के घरों में भी तुम लोग के क्या मतलब जनरली ह्यूमन बींगस हमारे क्या है बहुत ज्यादा यूज करते हैं ग्रेनाइट और मार्बल को अपने घरों में फेसिंग वर्कस के लिए ठीक है तुमने देखा होगा मार्बल की फ्लोर होती है किचन में तुम लोग देखते हो कि जो क्या नाम है प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं है ना वो सब किसके बने होते हैं मार्बल के होते हैं ग्रेनाइट के होते हैं तो जनरली बहुत ज़्यादा यूज होता है ये ठीक है उसके बाद कंकड़ से हमारा हाइड्रोलिक लाइम बनता है इसको हम बाद में तुमको जब लाइम पढ़ाएंगे तो समझा देंगे बाकी फ्लोरिंग में हाँ फ्लोरिंग में जमीन के काम में सर ऑब्वियसली मार्बल लाइम स्टोन सैंडस्टोन सब लगता है ना सैंडस्टोन वगैरह तो तुमने पार्क वार्क में बहुत देखा है घरों में जनरली कम यूज होता है ना घरों में थोड़ा कम यूज होता है ये ठीक है चलते चलना राहुल कह रहे हैं गर्मी में आपने जैकेट क्यों पहन रखा है ये तो बेटा बहुत बड़ा सवाल है ये तो बड़ा सवाल है ना गर्मी बाहर है तुम यहां पे आके देखो कि यहाँ कितनी ठंड है समझ रहे हो ऐसा है चलो बढ़ते रहते हैं हम लोग हां और पेविंग वर्क जो होता है पेविंग वर्क हम लोग नहीं से यूज कर सकते हैं ब्लास्ट एंड फाउंडेशन में हम लोग कौन सा पत्थर यूज कर रहे हैं ये देखो ये देखो हमारा ब्लास्ट है ये जो स्लीपर के नीचे है तुमने देखा होगा रेल सर देखिए ये रेल है रेल के नीचे हमारे स्लीपर होते हैं रेल के नीचे स्लीपर होते हैं और स्लीपर के बगल में होता है ब्लास्ट ये जो पूरा पत्थर पत्थर कंघड़ी पड़ी हुई सारी ब्लास्ट है और ये जनरली हमारा ग्रेनाइट और अगर इसमें यूज होता है लिखा नहीं है ठीक है चलो ये भी इस्तेमाल होता है बाकी तुमको हमने बताया था डीपीसी और रूफिंग मटेरियल स्लेट होता है क्योंकि स्लेट का वाटर ऑप्शन क्या होता है बहुत कम ये तुमको हम पहले ही समझा चुके हैं ठीक है सर डीपीसी और रूफिंग मटेरियल एक और लिख दीजिए पे स्लेट को हम लोग एस ए रूफिंग मटेरियल यूज करते हैं एज ए में काफी पूछा जाता है कि रूफिंग मटेरियल और डीपीसी फॉर्म में किसको यूज करते हैं स्लेट ठीक है और बाकी पुट्टिक मैनुफेक्चरिंग चौक यूज करते हैं ये तुमको हम पेंट और वार्निश बताएंगे ठीक है पेंट वार्निश भी पढ़ा देंगे अगर टाइम मिलेगा तो ये हमारे सारे यूजेस हो गए एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ हम लोग समझ गए हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब जरा बात करते हैं सर अब बात करते हैं जरा किसकी अब जरा बात करते हैं लोग किसकी सर एक सेकेंड कि अब क्वायरिंग में सर हम देखिए देख तो आपने हमको समझा दी ठीक है सबसे पहला स्टेप था आपने हमको समझाया था क्या आपने हमको क्या समझाया था कि क्वायरिंग करो ठीक है उसकी रफ ड्रेसिंग करनी तो कर दो कोई बात नहीं अगर भी सॉफ्ट है तो करनी तो कर सकते हैं लोग उसके बाद आपने बताया सर हमको क्या कि क्वेरिंग के बाद रफ ड्रेसिंग के बाद उसकी सीजनिंग करिए सीजनिंग के कर बाद उसको प्रिजर्व कर दीजिए ठीक है प्रिजर्वेशन कर दीजिए और प्रिजर्वेशन के बाद उसको क्या करिए आप ड्रेसिंग कर दीजिए ठीक है और उसको आप फिर यूज करिए जिस भी काम में यूज करना है ठीक है क्वाइरिंग थोड़ा डिल पढ़ लेते हैं ठीक है जनली थोड़ा बहुत क्वेश्चन इसे देखने मिल जाते हैं तुमको थोड़ा बता देते हैं ताकि कोई क्वेश्चन हमारा गलत ना हो ठीक है सर तो क्वैरिंग जब हम लोग करना शुरू करते हैं तो उससे पहले हमको कौन कौन सी बातें दिमाग में रखनी हुई यहाँ पे लिखी हुई हैं हम लोग क्वेरिंग साइट को कैसे चुनते हैं ठीक है अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें जहां मन करे वहां पर जाकर तुम अपना क्वाइरिंग करना शुरू कर दी कई सारे मेथड भी होते हैं हम लोग चार मेथड इसके पढ़ेंगे आज ही के आज ठीक है जैसे वेजिंग होता है हीटिंग ब्लास्टिंग ये सब देखना है हम लोग को ठीक है तो सबसे पहले हमको क्या दिमाग रखना है सर देखिए लोकेशन हमको कैसे चुननी है इसको दिमाग इसको पता करने के लिए इसको पता करने के लिए आप बोल रहे हो बेटा यहां पे कोटा स्टोन क्या होता है बेटा एक आर्टिफिशियल स्टोन होता है कई सारे आर्टिफिशियल स्टोन होते हैं बेटा संजय जैसे रैंसम स्टोन गार्लिक स्टोन है ना वो सब सब पढ़वा दोगे गया क्या बेटा पूरा सचिका जी कह रही है मेट्रो में स्लीपर क्यों नहीं होता मेट्रो में स्लीपर नहीं होता ओके okay, या yeah, स्लीपर नहीं होता अब तो उनको पहले ही बताओ कि मेट्रो के डिब्बे में और जो मेन रेलगाड़ी होती है उसमें फ़र्क होता है कि नहीं बताओ पहले उसको कहाँ तक जाना होता है और इसको कहाँ तक जाना होता है उसमें कितने ही डिब्बे और कितने ही लोग बैठते हैं ज़रा सा लोड होता है यार और शिव गुप्ता कह रहे हैं सर मैथ्स में कॉम्प्लेक्स लाप्लास भी करा देना बीएमसी का प्लीज़ आप ही समझना है बस ये होती बेटा बात अब तुम यार तुम आए ले तुमको कॉम्प्लेक्स तुम आ जाओ बेटा घर तुमको हम पढ़ाते हैं लाप्लास और कॉम्प्लेक्स ठीक है लापलास तो बहुत आसान है कॉम्प्लेक्स भी बहुत आसान है चलो फिलहाल इसको सुनो जल्दी से भूल गए हम क्या बता रहे थे हाँ क्वॉरिंग सेट को कैसे हम लोग चुनते हैं देखो बहुत इजी इजी पॉइंट से ध्यान से पढ़ लो रीडिंग कर लो समझ में आ जाएगा हमारा जो अवेलेबिलिटी है पत्थर की अवेलेबिलिटी हाँ, ऑफ पत्थर और अपनी डिजायर्ड क्वालिटी का हमको मिलना चाहिए उस जगह पे ये बात हमको दिमाग में रखनी है ठीक है सफिशियंट क्वांटिटी स्टोन का वहाँ पे है और उस क्वालिटी का जो क्वालिटी हमको चाहिए ठीक है उसके बाद तुम्हारा वो एरिया ऐसा ना हो कि इतनी दूर है कि तुम उसको प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तुमने उसको तो कर ली बाहर निकल गया लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बहुत पैसा लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है ठीक है ऐसी जगह जहाँ पे लोकल लेबर क्या हो सस्ती हो काम करना आसान हो जाएगा जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा काम भी ज्यादा हो पाएगा कम पैसे में ज्यादा आउटपुट तुमको मिल पाएगा ठीक है उसके बाद ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर की कोई प्रॉब्लम ना हो ऑब्वियसली देखो जब क्वायरिंग करते हैं तो क्वायरिंग में बारिश का पानी पूरा पूरा फंस सकता है वहाँ पे जो क्वेरिंग साइट्स होती हैं है ना तो क्वायरिंग साइट से पानी बहुत ज्यादा ना फंस जाए इसके लिए ड्रेनेज की व्यवस्था पूरी तो देख के चलनी चाहिए ऐसा ना हो कि तुम क्वायरिंग करो और कभी बारिश हो वहाँ पे पानी पानी एकदम हो गया और फिर हम लोग कुछ ही नहीं पा रहे ठीक है लोकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट एंड परमानेंट इन द विसिनिटी और बाकी साइट फॉर डंपिंग रिफ्यूज ये सब बातें दिमाग में रखते हुए हम लोग क्वेरिंग साइट का सिलेक्शन करते हैं ठीक है उसके बाद फिर अगर हम बात करें कि चलिए ठीक है क्वांग वायरिंग साइट तो पहुंच गए ध्यान रखना तो रख लिया क्वेरिंग करेंगे कैसे ठीक है चार मेथड्स होते हैं उससे पहले लेकिन हम लोग कुछ टूल्स पे नजर मारते हैं कुछ टूल्स हैं जिनका यूज करके हम लोग ंग करते हैं ठीक है थीके? जैसे यहां पे लिखा हुआ है क्या वेज है पिन हैमर डिपर टैंपिंग बार प्रेमिंग निडल जंपर जंपर इंपॉर्टेंट है क्लेइंग आयरन और क्रो बार ठीक है एक करके देखते हैं तुमने हिंदी में सुना होगा छेना और हथौड़ी सुन रखा है सबने बताओ जल्दी से यस बता दो सब बताएंगे बेटा जल्दी बताओ है ना छेना थोड़ी सुन रखा है सबने हिंदी वाला वही है बस अब तुम इनकी इमेजेस देखो इनकी इमेजेस देखो तुम अभी समझ जाओगे ठीक है इनकी इमेजेस देखो यहाँ पे ये स्टैंड बुक की इमेज है काफ़ी ठीक है इसको बीच में ले आते हैं एकदम ठीक है बीच में आ गया है थोड़ा जूम भी कर देंगे आप जूम में ज़्यादा बड़ा हो गया चलो कोई नहीं देख लो एक एक करके देखना शुरू करो यहाँ पे सब लिखा हुआ है ये अब माइनस करो सही है भाई माइनस करो ठीक और होता है तो ये जो सबसे पहला देख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं वेज ये वेज है ये पिन है ये हैमर है देख पा रहे हो सब लोग ये वेज पिन हैमर फिर उसके बाद कौन है ये हमारी देखो ये बोरिंग मशीन है इसको ऐसे ऐसे घुमा घुमा के क्या कर सकते हैं हम लोग बोरिंग कर सकते हैं ठीक है देखते चलो एक बार तुम थोड़ा सा नज़र मान लो तुमको आइडिया लग जाएगा ठीक है थोड़ा नज़र मान लो आइडिया लग जाएगा तो इसको हम लोग वेज बोलते हैं ये पिन होती है ठीक है ये हमारा हैमर हो गया ये हमारी बोरिंग मशीन हो गई सर ये बोरिंग मशीन हो गई इसको ड्रिल बोलते हैं ये तुमने देखा होगा जो ड्रिलिंग मशीन वाली आती है उसके आगे ड्रिल लगा होता है एकदम नन्नने से अंदर चली जाती है पूरी है ना ये वही ड्रिल मशीन है ड्रिल मशीन का ड्रिल है आगे है ना ये ड्रिल है इसको उसके बाद है डिपर एक सैंड उसके बाद जो हम ये देख रहे हैं सर ये क्या है ये डिपर है हमारा ये क्या है यह डिपर ये क्या हमारी टैंपिंग बार है ये टैंपिंग बार है ये प्राइमिंग नीडल है ये प्राइमिंग नीडल है बाद में इसको लगाया जाता है ये वही तुम्हारा जंपर जिसको तुम लोग क्या छेनी हथौड़ी बोलते हैं ना ये हमारा क्या है जंपर इसको जंपर को रखा और ठोंकते गए है ना वही है ये उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है सर ये मतलब पॉइंटेड वेज है ये वेज है और ये हमारा चिजल पॉइंटेड वे है इसी का थोड़ा सा बेहतर वर्जन है ये ये जो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो देख पा रहे हो बिल्कुल सर दिख रहा है हमको ये हमारी क्रो बार है क्रो बार है इसको लगा के ऐसे करके निकाल सकते हैं क्रो बार से और ये हमारा क्लेइंग आयरन है आखिरी में ठीक है तो ये कुछ टूल्स हैं जिनको हम इतना याद रखने का तुमको याद नहीं रखना है तुमको थोड़ा सा आइडिया देना चाहिए बस है ना तुमको आइडिया देना चाहिए कि भाई कैसे कैसे हमारी क्वेरिंग वगैरह होती है ठीक है अच्छा नहीं दिख रहा है अरे यार टूल्स तो समझ में आ रहे नाम तो हमने पढ़ दिए ना सारे इतना मत जानो बेटा सुनते चलो ठीक है तो ये फिर से रिपीट कर रहे हैं वेज पिन हैमर बोरिंग मशीन ड्रिल ठीक है ये हमारा क्या था यार इसको डिपर बोलते हैं डिपर ये हमारी टैंपिंग बार है प्राइमिंग नीडल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं जंपर बोल रहे थे जंपर ये क्रो बार है ये चिजल्ड वेज है चिजल पॉइंटेज वेज है और ये हमारा क्लेंग आयरन ठीक है थीके? तो ये सारे टूल्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं इन जनरल अब बात करते हैं जरा क्वेरिंग मेथड्स की अब बात करते हैं हम लोग जरा क्वेरिंग मेथड्स की उसके बाद हम लोग स्टोन मेसेंडी देखेंगे ठीक है एक मिनट जरा रुकना हाँ बेटा सेशन लेते हैं तुम चिंता ना करो सब लोग थर्टी तक काउंट करेंगे थर्टी तक चलो हो गया बेटा थर्टी तक था बस हो गया ठीक है देखो सर काफ़ी बड़े हो गए हैं लेकिन कोई नहीं तुम इसको देखो सर यहाँ पे हमको देखना है कि क्या क्या मेथड हम लोग यूज़ करते हैं ठीक है क्वैरिंग मैथड हम लोग को देखना है तो देखो चार मेथड होते हैं मेनली चार मेथड है यहाँ पे तुम देख पा रहे हो सर क्या एस्केवेटिंग एस्कीवेटिंग हमको दिख रहा है यहाँ देखना शुरू करो एस्कीवेटिंग वेजिंग हीटिंग और ब्लास्टिंग चार मेथड है हमको समझना है ठीक है तो चारों का थोड़ा सा सिस्टम समझा देते हैं तुमको हम चारों का थोड़ा थोड़ा आइडिया लो तुमको सब समझ में आ जाएगा इजिली एकदम है ना चलो तो सबसे पहला हमारा क्या एस्कीवेटिंग एस्केवेटिंग वेजिंग हीटिंग ब्लास्टिंग सबसे पहले एस्केवेटिंग पढ़ देखो एस्केवेटिंग नाम में लिखा हुआ है नाम से ही समझ में आ रहा है एस्किवेटिंग में क्या है कि वो पत्थर जो अर्थ में लूजली दबे हुए हैं लूजली दबे हुए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे एक्सेस क्रोबार चिजल्स और हैमर्स का यूज करके हम लोग उसको ऐसे ही क्या करेंगे एस्किवेट करके बाहर निकाल लेंगे ठीक है उसको ऐसे ही क्या करेंगे एस्किवेट करके हम लोग बाहर निकाल लेंगे सिंपल सी बात ये हमारा क्या हो गया सर एस्केवेटिंग हो गया पहला ये हमारा पहला था एस्केवेटिंग ठीक है दूसरा सर आपने यहाँ पे क्या बताया था दूसरा आपने बताया था वेजिंग दूसरा तुम यहां पे देख रहे हो क्या है वेजिंग है ठीक है वेजिंग समझना है बहुत ध्यान से देखते चलना बेटा थकूमत अब आ चुके हैं हम पहले ही एसके वेटिंग एसके वेटिंग और फिर वेजिंग में सर देखिए क्या करते हैं वेजिंग में देखिए क्या करते हैं इसको देखो बहुत सिंपल सिंपल कुछ नहीं हम लोग क्या करते हैं दस से पंद्रह सेंटीमीटर के होल्स करते हैं ठीक है और अच्छा एक बात और सुन लो एग्जाम में पूछता है कि वेजिंग जो होता है वो हम लोग मेनली किसके लिए यूज करते हैं ठीक है तुमको समझ में आना चाहिए वेजिंग जो है मेनली हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स यूज करते हैं सब लोग कमेंट करके बताओ कि वेजिंग मेथड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं तो तुम क्या बताओगे सर वेजिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं जल्दी बताओ कमेंट करके फटाफट वेजिंग मेथड यूज करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स सर सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे कौन कौन से सैंड स्टोन हो गया या देखो पढ़ो सैंड स्टोन है लाइम स्टोन है लेटराइट मार्बल भी ऐसा नहीं है लेकिन जनरली हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए ठीक है क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं उसको हम लोग वेजिंग आराम से कर सकते हैं यस और नो यस और नो वेरी गुड याद रखना ये एग्जाम में सवाल बन सकता है तो दस से पंद्रह सेंटीमीटर के होल्स हम लोग डिग करते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे और उसको पत्थर के अंदर पत्थर के अंदर ठीक है उसमें स्टील पिन वेजेस और प्लग्स हम लोग कोनिकल वेजेज उसमें इंसर्ट करते हैं ठीक है और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं हैमर यूज करते हैं स्लेज हैमर यूज करके हम लोग उसको मारते हैं और फिर वो क्या होता है ठीक है हम लोग उसको हैमर से मारते जाते हैं और वो क्या करता है अलग हो जाता है ठीक है तो बस इतनी सी बात है तो यहाँ पे बस हमको सिंपल समझ में आया कि हमने यहाँ पे वेज और स्लेज हैमर का यूज किया होल्स हमने किए थे जगह जगह और वहां पर हमने ड्रिल करके उसी जगह हमने वेज करना मतलब वेजिंग वेजिंग करना शुरू किया और हमारा रॉक क्या हो गया एक्सकेवेट हो गया बाहर है ना हमने रॉक को एक्सट्रैक्ट कर लिया बताओ बात समझ में आ गई इसमें क्या है कि देखो वेस्टेज सबसे कम रहता है और जो भी हमारी रिक्वायर्ड शेप और साइज की क्वेरिंग हमको चाहिए होती है वो मिल जाती है ठीक है यस और नो और पत्थर को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए पहले ठोकने ठाकने का तो उसको पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए हम लोग क्रो बार्स का यूज़ करते हैं क्रो बार्स और रोलर्स का यूज़ करते हैं ये तुम समझ गए ठीक है तो दो हो गए हमारे क्या क्या हो गया सर देखिए दो हमने पढ़ लिए एक एसके हो गया हमारा और एक वेजिंग हो गया अब चलते हैं लोग हीटिंग की ओर हीटिंग में देखो कुछ नहीं यार हीटिंग में कुछ नहीं ऐसे ही सुन लो हीटिंग में क्या करते हैं सर हम लोग हीटिंग में फ्यूल को हम लोग लेते हैं फ्यूल को हम लोग पत्थर के ऊपर मतलब फ्यूल को बहुत सारे फ्यूल होता है हमारा उसको पत्थर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं जला के फेंक देते हैं अब तुम जिस जगह फ्यूल जल रहा होगा वहां पे स्टोन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ठीक है जिस जगह फ्यूल जल रहा होगा वहां पे स्टोन का टेम्परेचर क्या होगा बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा यस और नो बता दो ठीक है बिल्कुल सही बात है और अंदर की तरफ टेम्परेचर कम होगा तो ये जो डिफरेंस आता है, ये जो आता है। हमारे छोटे बन रहे ठीक है तो क्या नाम है अच्छा देख लो जरा वेजिंग की फोटो देख लो यार वेजिंग की इमेज देख लो ठीक है यहां पे देखो वेज वेज किया गया है देखो एक प्लग दूसरा प्लग ठीक है और ऊपर से हम क्या कर रहे हैं इसको हैमरिंग कर रहे हैं ठीक है ठीके? ये ड्रिल होल्स हैं लगाया पूरा उड़ा दिया यहाँ पे हमने एक होल किया था पूरा उड़ गया फिर हमने यहाँ एक होल किया पूरा उड़ा दिया और इससे तुम यहां से ऐसे ठोक ठोक के एक परफेक्ट शेप का स्टोन यहाँ से बाहर निकाल सकते हो समझ लो जहां जहा हम होल कर रहे हैं फिर यहां पे तुम इस तरह से एक क्या नाम है परफेक्ट शेप का होल करके स्टोन को तुम यहाँ से बाहर निकाल सकते हो ठीक है फिर हीटिंग में क्या है सर हीटिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्वेरिंग स्मॉल थिन एंड रेगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन जिस हम लोग करते क्या है हीप ऑफ फ्यूल को रखते हैं और उसको जला देते हैं जला देते हैं लेकिन हाँ छोटे एरिया में ठीक है छोटे एरिया में ऐसा नहीं कि तुम पूरे पूरे एरिया को जला दोगे नहीं स्मॉल एरिया को हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं फायर करेंगे और ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है क्योंकि अब ऊपर के लेयर ज्यादा हीटअप हो जाएगी तो अनइवन एक्सपेंशन होगा सबको पता है चीजें गर्म होने से क्या होती है एक्सपेंड करती हैं और इसी कारण से क्या होगा जो रॉक के पोर्शन है वो ब्रेक करने लगेंगे और वो लूज होने लगेंगे और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग अपने जो एक्सेस और क्रोबार्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे लूज पोर्शंस को अलग अलग करके हम लोग पत्थरों को बाहर निकाल लेंगे ठीक है ये हमारी हीटिंग हो गई सिंपल सी सिंपल सी हीटिंग है बहुत बेसिक सा प्रोसेस है फिर लास्ट हमारा कौन है ब्लास्टिंग चार मेथड हमने तुमको बताए थे चार मेथड हम लोग फिर से गिनते सर पहला कौन सा कमेंट करो बेटा जल्दी से कमेंट पहला इसके वेटिंग पहला क्या सर इसके दूसरा सर क्या है सर दूसरा क्या है पहला इसके हो गया दूसरा सर हमारा क्या हो गया बताओ जल्दी वेजिंग तीसरा सर क्या हो गया हीटिंग और चौथा क्या है ब्लास्टिंग ठीक है अब आएगा सर हमारा ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग सर ब्लास्टिंग के अंदर देखिए कई सारे एक्सप्लोजिव हम लोग यूज करते हैं और इसमें प्रोस पहले समझ लेते हैं एक्सप्लोजिव चलिए बाद में यूज करेंगे पहले समझ लेते हैं देखो तीन चीजें हैं तीन चार चीजें हैं यहाँ देखो इमेज है कि नहीं इमेज है कि नहीं है नहीं है इमेज चलो कोई नहीं इमेज नहीं है कुछ नहीं करना पहले बोरिंग करो पहले जो है जगह जगह जाके बोरिंग करो फिर जहां तुमने जहां तुमने होल्स किए हैं जहां जहां तुमने बहुत सारे होल्स कर रखे हैं वहां पे अपने एक्सप्लोजिव को जाके चार्ज कर दो मतलब रख दो ठीक है एक्सप्लोजिव को जाके रख देंगे ठीक है तो सबसे पहले हमको क्या करनी है सर बोरिंग करनी है ऑपरे ब्लास्टिंग में करते क्या है बोरिंग करी फिर हमने वहाँ पे जाके क्या करा जो भी हमारा एक्सप्लोजिव उनको रख दिया ठीक है उनको हमने टैंप करके अच्छे से भर दिया अंदर अच्छे से ठीक है जहाँ जहाँ जाने थे जिस अप्रोप्रिएट प्लेस जाना था या नो बिल्कुल सही बात है फिर उसके बाद हमने क्या करा उनको जला दिया और जलाने के बाद ऐसा धमाका होगा ऐसा धमाका होगा एरिया में कि भाई सारा स्टोन इधर उधर उड़ जाएगा ठीक है तो तीन चार टाइप के एक्सप्लोजिव जनली यूज़ करते हैं हम लोग हम तो मैं इसके अलावा भी और एक दो बता देंगे जैसे ब्लास्टिंग पाउडर ब्लास्टिंग कॉटन डायनामाइट कॉडाइट ये सब है ठीक है इन सब में जनरली नाइट्रोजन बहुत कॉमन होता है नाइट्रो बहुत कॉमन है तुमको बताते हैं अभी हम ठीक है पहले तो इतनी बात समझ आ गई ब्लास्टिंग पाउडर कॉडाइट डायनामाइट और डायनामाइट कॉडाइट ब्लास्टिंग कॉटन हाँ गन इसको गन कॉटन ही बोलते हैं ये जो ब्लास्टिंग कॉटन है इसको गन कॉटन ही बोलते हैं ठीक है थीके? तो यही चार हैं जो जनली हम लोग यूज़ करते हैं ठीक है भाई बात समझ आ गई अब देख एक लाइन और सुन लो ब्लास्टिंग पाउडर एक ऐसा पाउडर है जिसके अंदर 75 परसेंट लगभग सॉल्ट पेटर 10 परसेंट सल्फर और 15 परसेंट चारकोल होता है ये सवाल ही तुमको ए जी के एग्जाम से पूछा जा सकता है ठीक है इसको सब लोग याद रखेंगे चलिए सर समझ गए हम लोग बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग बोरिंग वोरिंग करेंगे फिर चार्जिंग करेंगे जो होल्स थे उसको हम लोग अच्छे से सुखा के उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे चार्ज रख देंगे फिर हम लोग टैंपिंग करेंगे ताकि वो हमारा अच्छे से अंदर चला जाए जो भी हमारा मसाला वसाला है बारूद जिसे बोलते हैं अरे तुम लोगों ने बचपन में कार्टून देखा है कि नहीं वो टॉम एंड जरी देखा है कि नहीं सबने उस टॉम एंड जरी में क्या करते हैं वो लोग टीएनटी टीएनटी का यूज़ करते हैं बड़े सिलेंडर लेके आते हैं और पूरा पूरा उड़ा देते हैं एकदम किसी ने देखा है भाई टीएनटी वगैरह हाँ ये देखो इमेज आ गई इमेज आ गई सर एकदम यहाँ देखो क्या कर रहे हैं पहले उन्होंने यहाँ पे होल होल किया पहले यहाँ पे उन्होंने बोरिंग करी फिर बोरिंग के आते उन्होंने क्या किया चार्ज को यहाँ अच्छे से प्लेस किया उसको टैंपिंग करा ताकि बस ये जो हमारा पूरा नाम है क्या नाम है डेटोनेटर है ये पूरा अंदर चला जाए अच्छे से और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको जला देंगे ठीक है जैसे ये ब्लास्ट होगा ना बेटा जैसे ये ब्लास्ट होगा तुरंत यहाँ से दरार पड़ जाएगी बीच से समझ रहे हो ये खतरनाक चीज़ है इससे बच के रहना बेटा बहुत तगड़ा और इसमें जो पावर होती है वो सारी होती है यहाँ पे ये जो चार्ज ऑफ एक्सप्लोजिव है इसको नीचे यहाँ पे रख दिया था अंदर बीचों बीच और तुरंत यहाँ से हमारा जो स्टोन है वो क्या करेगा क्रैक हो जाएगा अच्छा यहाँ पे दादा है पूछ रहे हैं टीएन टी क्या होता है टीएन टी का मतलब होता है ट्राई नाइट्रोटोलुईन बड़े खतरनाक केमिकल है धमाकेदार केमिकल है भाई नाइट्रो कहीं भी आ जाए समझ जाओ कि बहुत खतरनाक चीज है ठीक है और बाकी प्रिकॉशन वगैरह तो लेने ही पड़ते हैं और ऑब्वियस बात है ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग कर लो कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं फिलहाल यहाँ पे ये सारे केमिकल्स हैं एक ब्लास्टिंग पाउडर गन गन पाउडर बोलते हैं ब्लास्टिंग कॉटन गन कॉटन डायनामाइट क्लोराइड ये चार बहुत इंपॉर्टेंट हैं है जो जनली यूज़ होते हैं बाकी जेलटिन डायनामाइट जेलिगनाइट और लिथोफ्रैक्टर और रॉक रॉक ये आठ एक्सप्लोजिवस हैं जो जनली हम लोग स्टोन ब्लास्टिंग में यूज करते हैं ठीक है जनली हम लोग स्टोन ब्लास्टिंग यूज करते हैं सब लोग याद रखेंगे इसको बल्कि नोट डाल के लिख भी लो अपनी कॉपी में कि ब्लास्टिंग पाउडर और गन पाउडर में सेवेंट सिक्सटी फाइव परसेंट सॉल्ट पेटर पंद्रह परसेंट सल्फर और बीस परसेंट लगभग होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ठीक है ये तुमसे पूछ सकता है ओके चलो तो ये कहानी हम लोग को सर बच्चे से एकदम समझ में आ गई है बिना किसी टेंशन के ठीक है अब वापस आ जाते हैं जरा हम लोग एक सेकेंड रुकना ठीक है तो ये हमारा चल रहा था सिस्टम चलो बहुत है ठीक है अब परफेक्ट हो गई स्क्रीन तुम भी बोलोगे सर अलग अलग तरीके से एकदम सिस्टम बना रहे हैं ना तो टीएनटी हमारा टी जो है ट्राई नाइट्रोटॉल होता है टॉम एंड जेरी में टॉम यूज करता था और फिर खुद ही मर जाता था है ना ठीक है तो चलिए सर याद रहेगा बाकी देख लें कुछ पॉइंट वाइट ना छूट गया हो ठीक है वेजिंग मेथड तुमको हमने बता दी सेलिमेंट्री रॉक में यूज़ होता है ब्लास्टिंग मेथड अच्छा हाँ ब्लास्टिंग कहाँ यूज़ होता है ये तुमको बताया नहीं हमने ब्लास्टिंग ऑब्वियसली टफ सॉइल्स टफ रॉक में यूज़ होगा जो बहुत ही मज़बूत है जैसे हमारे कॉन इग्नियस और मेटामॉर्फेगा इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे हम लोग ब्लास्टिंग मेथड यूज़ करते हैं ठीक है थीके? चलो तो ये सब बातें हम लोग को सर अच्छे से एकदम याद हो गई हैं इसको एक काम करते हैं लिख भी लेते हैं बल्कि इसको बल्कि लिख भी लेते हैं चलो यहाँ पे एक स्लाइड जोड़ के फटाफट लिख लिया जाए है ना क्या लिखना है सर यहाँ पे देखिए दो तीन पॉइंट्स हैं आपने बताया सर हमको क्या कि वेजिंग मेथड जो हमारा है वो हम लोग यूज करते हैं ठीक है देखो तुमको चार पांच पॉइंट बता रहे हैं मैं पे बेजिंग मेथड हमारा किसके लिए यूज कर रहे हैं सर आप यूज कर रहे हैं सेगमेंट्री के लिए ठीक है चलिए ओके सर नो no प्रॉब्लम उसके बाद आप सर हमसे ये कह रहे हैं कि ब्लास्टिंग मेथड जो बहुत ही तहलके वाला मेथड है ब्लास्टिंग मेथड वो हम लोग जल्दी यूज कर रहे हैं किसके लिए इग्नियस और मेटामोर्फिक के लिए इग्नियस एंड मेटामोरफिक के लिए क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है ना सीधी बात है उनको इतनी आराम से तुम वह जैसे तोड़ नहीं पाओगे उसको पहले ब्लास्ट करो फिर उसके बाद उसको शेप देना ठीक है सही है और बाकी चार मेथड क्या थे बाकी सर आपने हमको बताया एस्कीवेटिंग भी करते हैं बाकी हम लोग हीटिंग भी करते हैं ठीक है एस्कीवेटिंग भी करते हैं और हीटिंग भी करते हैं ये हमारे चार मेथड्स हैं ऑफ क्या क्वेरिंग ठीक है समझ गए बाकी ये हमारे मेथड्स हैं मैथड है समझ चुके हैं हम लोग और बाकी एक्सक्लोजिव सर आपने हमको चार मेनली बताया याद करने के लिए पहला एक्सक्लोजिव सर हमारा क्या था सबसे पहला एक्सक्लोसिव हमारा था इसको बल्कि हम लोग इससे लिखते हैं चलो नंबरिंग पहले वन टू थ्री फोर कर दो वन टू थ्री फोर सबसे पहला जो हमारा था वो सर आपने हमको क्या बताया सबसे पहला आप सर हमको क्या बता रहे हैं? एक ठीक ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग है? ब्लास्टिंग या गन सुन रखा है सबने इम्पोर्टेंट तो इसमें सर ऑलमोस्ट सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी हमारा सॉल्ट पेटर होता है याद रखना है ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं सॉल्ट पेटर पंद्रह परसेंट सल्फर ठीक है बच्चा वो लिख देते हैं दस परसेंट हाँ दस परसेंट सल्फर पंद्रह परसेंट चारकोल दस परसेंट सल्फर और पंद्रह परसेंट के अराउंड चारकोल इसके अंदर होती है ठीक है पंद्रह परसेंट चारकोल इसमें होती है ठीक है ओके बाकी सर आपने क्या बताया और ब्लास्टिंग पाउडर के अलावा आपने और क्या बताया गन पाउडर बताया गन पाउडर यही है ये गन कॉटन गन कॉटन ठीक है गन कॉटन बोलो या ब्लास्टिंग कॉटन बोलो एक ही है इसका एक और नाम है नाइट्रो नाइट्रोसेलोस ठीक okay. है ठीक है, कौड़ाइट। कौड़ाइट बताया है और कॉडाइट में हमारा ऑब्बियस क्या होता है नाइट्रोबिसन होता देखो, नाइट्रो ये जो नाइट्रोजन है ना ये इसको हल्के मत लेना ये जो नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ बहुत ही ज्यादा हो जाती है ठीक है नाइट्रोग्लिसरीन नाइट्रोग्लिसरीन से ही हमारा क्या बनता है कॉडन बनता है नाइट्रोग्लिसिन बहुत एक्सप्लोजिव नेचर होती है ठीक है और लास्ट हमारा कौन डायनामाइट डायनामाइट तो सबने देख रखा है ठीक है डायनामाइट के अंदर सर क्या होता है डायनामाइट के अंदर सर हमारा सेवेंटी uh, फाइव परसेंट नाइट्रोग्लिसरीन है सेवेंटी फाइव परसेंट नाइट्रोगन है सेवेंटी फाइव परसेंट नाइट्रोग्लिसिन है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढिए सर ने इसको छोटाफोट लिख डालो ठीक है सेवेंटी परसेंट नाइट्रोग्लिसन है और पच्चीस परसेंट जो है सैंडी अर्थ है जिसमें उसको एबजॉर्व किया जाता है बताओ वो पच्चीस परसेंट या इसको लिख दो ऐसे एब्जॉर्ब इन ये हमारा जो ग्लि, नाइट्रोगन है इसको एब्जॉर्ब करते हैं एब्जॉर्ब इन ट्वेंटी फाइव परसेंट मिट्टी ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ एंडी अर्थ और हमारा डायमंड बन जाता है ठीक है बहुत खतरनाक होता है तुम ये टोनी स्टार्क ने आयरन मैन में बनाया था आयरन मैन जानते हो ना तुम लोग देखी होगी शायद तुमने उसमें ही बनाया था उसने है ना यस बेटा कुशल आगे भी और हैं चैप्टर्स ठीक है हाँ सॉल्ट बेटर के एन ओ थ्री होता है बिल्कुल ओके चलो ठीक है सर समझ गए सब सिस्टम कुछ बस तो रहा नहीं है वो हो गया सारा ठीक है ओके 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 अच्छा हाँ, सीजनिंग हमारे कितने समय तक चलती है छः से बारह महीने की जाती है सीजनिंग है ना सीजनिंग में कुछ लिख देते हैं सीजनिंग हमारी चलती है सर सीजनिंग कहाँ उड़ गया सर चलो जाने दो जहाँ गया जाने दो सीजनिंग छः से बारह महीने चलती है स्टोन्स की ठीक है सर अब लास्ट टॉपिक हमारा कवर करा दीजिए आप हम लोग यहाँ पे समझ गए एक्सप्लोजर्स के बारे में भी और अब कोई कंफ्यूजन रह नहीं रही है ठीक है थोड़ा सा मेसनरी देख लेते हैं दो टाइप की मेसनरी होती है एक होती है रबल और एक होती है एसलर है ना सुन लो जरा दो टाइप की मेसनरी होती है एक होती है रबल और एक होती है एस्लर ठीक है रबल और एस्लर कोई फर्क बता सकता है एनी बहुत कमेंट तुम लोग कर रहे हो सर प्लीज़ चेंज बी एम सी अच्छा बी एम सी ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है वे वे कह रहा है ऐसा हो रहा है क्या सही में बी एम सी आ रही पूरी प्लेस देखो उसमें होगा सब है ना ठीक है चिंता ना करो चलो जैसा सुनो जल्दी से रबल और एस्टर में क्या फर्क होता है कि बता सकता है बता दो तो जल्दी से सर देखिए रबल जो होती है देखिए नाम में थोड़ा सा समझ आ रहा है रबल मतलब थोड़ा सा रफ है दो तरह की स्टोन मेसनरी होती है स्टोन मेसनरी और ब्रिक मेसनरी देखो बहुत बड़ा फर्क है स्टोन मेसनरी इतनी आराम से बन नहीं पाती है ठीक है इसमें बहुत ही दिमाग ला के हमको पत्थरों को एडजस्ट करना पड़ता है तो पहली होती है रबल और दूसरी होती है एसलर दोनों को ही देख लो पहले दोनों को देख लो तो फिर ज़रा फर्क बताओ हमको ये एसलर है ये एसलर एसलर के भी टाइप्स हमने यहाँ इमेजेज थ्रू लगा रखे हैं तुम पहले थोड़ा देखो ये एसलर है थोड़ी साफ़ सुथरी दिख रही है सर हमको ये थोड़ी साफ़ सुथरी दिख रही है और ये हमारा रबल है अब बताओ क्या फर्क है अब बताओ क्या फर्क है हाँ, वेरी गुड रबर रबल हैज स्टोन वेरी गुड वेरी गुड और एशलर हैज स्टोन। बिल्कुल सही बात है ठीक है बिल्कुल सही बात है रबल में हमारे क्या नाम है रबल में थोड़ा सा रफ स्टोन यूज किए गए जॉइंट्स थोड़े से थिक होते हैं इसको बल्कि हम लोग कंपेयर कर ही लेते हैं यहाँ पे ठीक है बल्कि इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं इसमें रफ ड्रेसिंग है इसमें स्मूथ ड्रेसिंग होती है यहाँ देखो सुनो तो हम लोगों ने गैस बिल्कुल सही किया वैसे गैस बिल्कुल यहाँ पे सही किया है अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंस मेकआउट करने की कोशिश करें तो सर हमको क्या समझ में आएगा देखिए यहाँ पे देखते हैं जरा ध्यान से भाई सर इधर आप लिखिए रबल मेसनरी यहाँ लिखिए रबल और यहाँ पे आप लिखिए क्या नाम है एशलर तो पहला जो डिफरेंस हम लोग मेकआउट कर पा रहे हैं इसमें इरेगुलर शेप ऑफ स्टोन यूज करते हैं हम लोग ठीक है इरेगुलर शेप ऑफ स्टोन यूज कर रहे हैं और कोई जरूरी नहीं है कि सब स्क्वायर हो या सब रेक्टेंगुलर हो सबसे पहला फर्क तो यहाँ पे यही हो गया यहां पे इरेगुलर शेप ऑफ स्टोन यूज याद रखना बस यही एक आध पॉइंट है तुमको याद रखना है ठीक है और एसर में रेगुलर शेप ऑफ स्टोन हम लोग यूज करते हैं ठीक है रेगुलर शेप ऑफ स्टोन हम लोग यूज करते हैं किसके अंदर एसर के अंदर बात समझ में आ गई होगी दूसरा पॉइंट जो हमको समझना है सर दूसरा पॉइंट हमको जो, जो समझना है उसमें क्या है कि जो इसमें जो पत्थर हैं वो इरेगुलर है क्यों क्योंकि सर हमने की है रफ ड्रेसिंग सर यहाँ पे अगला पॉइंट जो हम समझ रहे हैं ये जो मशीनरी है इसमें लोग रफ ड्रेसिंग करते हैं ठीक है रफ ड्रेसिंग रफ ड्रेसिंग इन मशीनरी मतलब तुमने उस स्टोन को प्रॉपर शेप देने की ज्यादा कोशिश नहीं करी है थोड़ा बहुत थोड़ा टाड़ा जैसे एडजस्ट हुआ कर दिया बस बात खत्म हो गई यहीं पर ठीक है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे हम लोग एकदम प्रॉपर स्मूथ ड्रेसिंग करते हैं मेहनत ज्यादा लगती है ऑब्वियसली बात है स्मूथ ड्रेसिंग करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे जो पत्थर है वो सब एकदम परफेक्ट दिखाई देंगे ठीक है पुराने जमाने मुगल के टाइम से जब जो मार्बल्स को तराशा जाता था तो हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे एशलर या स्मूथ ड्रेसिंग करते थे स्टोन्स की ताकि बहुत अच्छी नकाशी निकल के आए बाहर है ना उसके बाद इसमें जो जॉइंट्स होते हैं इसमें जो जॉइंट होते हैं मतलब जो बीच के गैप्स होते हैं उसमें थोड़े वाइट जॉइंट्स होते हैं

एक होती है रैंडम रबल में कुछ भी हो रहा है रैंडम रबल नहीं मतलब कुछ भी रबल क्यों क्योंकि देखो पत्थर का कोई भी शेप कॉन्स्टेंट नहीं है नो yes no, सही बात है में देखें पॉलीगन बना दिए गए फ्लिंट में छोटे छोटे जो क्या नाम है बजरी होती है और पत्थर होते हैं उसको हम लोग ने ऐसी राउंडेड फॉर्म में फ्लिंट होता है उसको हम लोग यूज कर लिया है ड्राई रबल मेसनरी में कोई मसाला नहीं है ड्राई का मतलब क्या है ड्राई का मतलब क्या है मोटार नहीं है बीच में सर है ना लिख देते हैं जरा यहाँ पे एक सेकेंड ड्राई का मतलब क्या है नो मोटार पे यही चल पाएगा नो मोटर ड्राई में मसाला नहीं और अगर यही हम बात करें किसकी यही अगर हम बात कर लें किसकी की तो में सर क्या है सब कुछ एकदम साफ सुथरा एकदम एकदम परफेक्ट शेप स्मूथ ड्रेसिंग दी गई है ना ये एसलर फाइन होता है बहुत साफ इसके जो ऊपर का एक्सपोज फेसिंग वर्क है वो भी एकदम स्मूथ है यस और नो तभी इसको बोलते हैं एसलर फाइन और इसमें जॉइंट्स बहुत पतले पतले जॉइंट्स होंगे थ्री एम के भी या उससे भी छोटे एशर रफ देखो इसमें हमारे स्टोन्स का शेप तो परफेक्ट है सर लेकिन जो उसका एक्सपोज सरफेस है जो इसका फेसिंग वर्क है वो थोड़ा तो तो सा रफ कर दिया गया है चैम्फर्ड में सर क्या होता है चैम्फर्ड में क्या होता है हम लोग देखो यहाँ पे इस तरीके से बढ़िया बढ़िया एकदम आकार दे देते हैं देख सकते हो किस तरह से इसको तराशा गया है और यहाँ पे चैम्फर्स बनाए गए है ना और ये एसर ब्लॉक है तो एसर के भी हमने यहाँ पे सारे टाइप्स अच्छे समझ लिए ठीक है हाँ एसर में फ्लैट स्टोन होते हैं ज्यादा बिल्कुल ओके okay. चलो समझ गए सर एकदम बात समझ में आ गई और लास्ट हमारा आज का टॉपिक है प्रिजर्वेशन जिसमें हम लोग एक लाइन लिखेंगे और बात हो जाएगी खत्म ठीक है उसके बाद हम लोग फिर टेस्ट में मिलेंगे फटाफट और टेस्ट का टाइम एकदम हो ही गया ऑलमोस्ट तीन बजे गए हैं लिंक सबको दिख ही रहा है प्रिजर्वेशन में एक लाइन लिखते हैं और हम लोग अपनी क्लास को समाप्त करते हैं बढ़िया से ठीक है प्रिजर्वेशन में सर देखिए ऐसा है कि हम लोग स्टोन को पहले ड्राई करते हैं ठीक है स्टोन को जल्दी पहले क्या करते हैं हम लोग ड्राई करते हैं यस और नो देखना बहुत ध्यान से स्टोन इज ड्राइड स्टोन ड्राइड पहले विद विद ठीक है उसके बाद जब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ड्राई हो जाएगा फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे देखो अगर तुमको प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन करना करना है करना है तो क्या करो उसमें ऑयल और पेंट्स तरह तरह के कर सकते हैं प्रिजर्वेशन मतलब जो कि परमानेंट नहीं है और तो थोड़े दिन बाद क्या होगा खत्म हो जाएगा है ना तो हम लोग क्या करते हैं ब्लो करने के बाद उसमें हम लोग लिंसिड ऑयल की कोट और क्या नाम है लाइट पेंट ये सब लगा सकते हैं या कोटिंग ऑफ पैराफिन लगा सकते हैं तो कोटिंग ऑफ पैराफिन तुम लगा सकते हो या मान लो ठीक है कोटिंग ऑफ पैराफिन लगा सकते हैं या क्या लगा सकते हैं सर हम लोग या हम लोग क्या नाम है क्या बोलो था लिंसी हाँ अलसी का तेल लगा सकते हैं दो तीन कोट लगाने पड़ते हैं लेकिन और या कोई लाइट पेंट यूज कर सकते हैं ठीक है लेकिन अगर तुमको यार ऑब्वियसली उसकी प्रिजर्वेशन थोड़ी सी टेम्प्रेरी नहीं परमानेंट टाइप की प्रिजर्वेशन करनी है या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रिजर्वेशन ठीक है तो उसको हम लोग इंडस्ट्री में लेके जाते हैं और वहां पे केमिकल यूज करते हैं जिस केमिकल का नाम तुमको सर ने बताया था जिस केमिकल का नाम सर ने तुमको आज बताया था क्या था सर वो केमिकल का नाम जरा बता दीजिए हमको दोबारा बेरियम हाइड्रेट है ना बेरियम हाइड्रेट बेरियम हाइड्रेट है ना ये यूज होता है और इसका इंडस्ट्रियल नेम होता है ठीक है बी ए आर वाई टी ए पाटा पाटा नहीं है फिलहाल बाटा है ये बी एस होल्ड वाइज ठीक है तो बस इतना ही तुम लोग याद रखो बहुत है ये सब हमारे इसके लिए ठीक है स्टोन में इतना है ठीक है तो हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं स्टोन हमने काफी कुछ सर कवर कर लिया स्टोन के अंदर और कल की क्लास में देखो हम लोग क्या करेंगे कल की क्लास में देखो हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ नहीं ठीक है कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन सेशन कर लेंगे ठीक है कल संडे का दिन है वैसे भी तुम लोग अपना कॉम्बेट ऑमेट दो गई तो कल की क्लास देखो जो आरसीसी के सुबह वो तो ऐसे चलेगी शेयर होगा पूरा उसमें और दोपहर वाली क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन अभी भी करने जा रहे हैं तीन बजे स्पेशल क्लास में आ जाओ फटाफट लिंक को क्लिक करके सर ने ज्वाइन ऑलमोस्ट कर ही लिया तुम भी जल्दी से ज्वाइन कर लो ठीक है तो चलो एवरी वन टेक केयर मिलते हम लोग कहां पे फटाफट जल्दी से मिलते हम लोग स्पेशल क्लास के अंदर ठीक है? चलो टेक फटाफट ज्वाइन लो और वैसे भी लिंक तुमको टेलीग्राम मिला हुआ पांच बजे आर से क्वेश्चन चलती रहेगी ठीक है Right after each contest, combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.